ये तकरीबन 4 माह का अमल है और 35 से 40 मीटिंग्स हुई इस पे। जब हम वन टाइम क्लीनिंग की एक्सरसाइज के लिए निकले थे तो हमने देखा कि गांव का हर वासी इसमें शरीक है और पैसे भी लगा रहा है, लॉजिस्टिक भी लेके आया हुआ है, बल्कि बहुत से चेयरमैन ऐसे हमने देखे कि जिन्होंने खुद कसी और कई पकड़ के नालियाँ और गलियाँ साफ करते हुए देखे हमने। पिछले 70 साल से ना कोई रूढ़ी उठाई गई, ना किसी ने कोई नालियां और गलियां साफ करवाइयां, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का जो नया निज़ाम खादमे आला साहब ने मुतारफ़ करवाया, इसमें जाके अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। जो साफ देहात प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें स्वीपर हमें दिए गए हैं, हमें दूसरा सामान दिया गया, दायात दी गई हैं, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले ऐसे मसले भी कोई पूछता नहीं सी, कोई गंद जिथे वजा से उत्थे वजा रहा, जिथे रूढ़ी पई उत्थे रूढ़ी पई रही थी। हुण मसले कि गलियां की भी सफाई हो जाती, नालियां की भी सफाई हो जाती, कूड़ा भी चुक देन, सब कुछ सही हो। कचरे के ढेर थे बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते थे और अटेंडेंस में भी काफ़ी फर्क पड़ता था, कम रहती थी। लेकिन अब गलियों में गुजरे जाएँ तो वो ना गंदगी का ढेर नहीं है, इधर से उठा के बाहर फेंक दिए। ट्रालियाँ ट्रैक्टर लगवा के और मशीन लगवा के उस तरह सारा कचरा जनाबे ला के बहुत दूर सारा व्डा सारा प्लाट खरीदया, उसने उन कचरा फेंकने से। हमारे गांव में पहले सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो टीम आती है वो सफाई भी कर रही है, बाजारों की रोड़ियाँ भी उन्होंने चिकाई हैं, बस बिल्कुल इंतज़ाम है, बिल्कुल सही है। मैंने जितने भी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया उनमें ये इस लिहाज से मुनफरिद था कि लोगों को इस काबिल बनाया जा सका कि वो अपने ऊपर एतमाद कर सकें, अपने मसाइल को इस्तेमाल कर सकें, अपनी हालत बेहतर कर सकें। लोग ये कहते थे कि हम इसके लिए खुद काम करने को भी तैयार हैं। तो हुकूमत में डीजल के पैसे मुहैया किए यूनियन काउंसिल्स को और उन्होंने साफ करके दिखा दिया।